What is up guys, आशीष वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बैक हैंड स्पिन के पांच ऐसी कॉमन मिस्टेक जो कि सब करते हैं स्टार्टिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 17,000 गोल रखा गया है और 200 लाइक। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर वन, यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब आप बैक हैंड स्पिन करते हो एक्स्ट्रा जंप लेते हो। जस्ट लाइक अब मैं करके दिखाऊंगा तो लग जाएगी, ऑलरेडी लग गई है। जैसे कि अगर आप बैक हैंड स्प्रिंग करते हो तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊपर जंप रहती है, जो कि चीज़ गलत है कुछ इस टाइप से। या फिर इससे थोड़ा सा कम, अगर मैं करके दिखाऊंगा तो फिर इधर उधर टकरा जाऊंगा, बट आप फीलिंग समझिए। जस्ट लाइक अगर आप बैक हैंड स्प्रिंग करते हो और आपकी जंप इतनी ज़्यादा रहती है तो आप इसको मत करिए। बैक हैंड स्प्रिंग की एक पोजीशन होती है जिसको देखकर आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना रहता है। जस्ट लाइक दैट, ये पोजीशन होती है, आपको यहाँ से लेकर जाना है और इधर से घूमना है। ज़्यादा जंप करने की जगह कम करिए। नंबर टू, बहुत ज़्यादा डाउन होना। ये भी सबसे कॉमन मिस्टेक है, जब भी आप बैक हैंड पे अगर कोई नॉन नॉर्मल पर्सन करता है तो बैक हैंड में उसकी यहाँ रहती है या फिर यहाँ, जो कि नॉर्मल गलत चीज़ है। इतनी नीचे नहीं जाया जाता किसी फ्लिप में। जस्ट लाइक आप इतना नीचे बैठे हो फिर उसके बाद बैक हैंड स्प्रिंग करोगे तो अगर आप करोगे तो ऑलरेडी डाउन हो, बैक करते करते और एक्स्ट्रा डाउन हो जाओगे, जिसकी वजह से समझिए। तो ट्राई करिए कि आप इतना डाउन ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की मिस्टेक देखी है, इतना डाउन चले जाते हैं। भले उनको लगता है कि वो यहाँ तक है बट वो फोर्स लेते लेते इतना नीचे चले जाते कि उससे नीचे ज़्यादा और हो जाएगा। सो ट्राई करिए कि आप डाउन ज़्यादा ना हो। नंबर थ्री, आपका टेढ़ा हो जाना फ्लिप में। जज लेके सामने बताता हूँ, अगर आप बैक हैंड स्प्रिंग करते हो और आपकी हैंड स्प्रिंग टेढ़ी जाती है यहाँ से यहाँ, और यहाँ अगर मैं टेढ़ी करी तो मैं टेढ़ा होकर दीवार में घुस जाऊँगा। बट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझिए। आप जैसे ही अगर बैक हैंड स्प्रिंग करते हो तो स्टार्टिंग क्या होता है, सबके हैंड सीधे जाते हैं और यहाँ से टेढ़े हो जाते हैं, जिससे बैक हैंड स्प्रिंग नॉर्मल की जगह थोड़ी टेढ़ी हो जाती है इस साइड या फिर इस साइड। तो इसके लिए करें तो आपको इसके लिए बैक हैंड स्प्रिंग के लिए आर्च यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आप बैक हैंड स्प्रिंग कर रहे हो और आपका हैंड आइट साइड जा रहा है तो ट्राई करिए आर्च जिस तरीके से बिल्कुल सीधा होता है, नॉर्मल सीधा, आपको उसी तरीके से बैक हैंड स्प्रिंग सीधी करनी पड़ेगी। नंबर फोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक में एक ये है कि जब भी आप बैक हैंड स्प्रिंग करें तो हैंड्स आगे पीछे जाते हैं, ये चीज़ भी कॉमन है। बट यहाँ पे इससे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, बट आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा जब आप बैक हैंड स्प्रिंग कॉम्बो करोगे या फिर कुछ भी करोगे। तो आप ट्राई करिए, जब भी आप बैक हैंड स्प्रिंग करो स्टार्टिंग में अगर आपके हैंड सीधे जा रहे हैं फिर यहाँ से आगे पीछे जा रहे हैं तो ट्राई करिए कि हैंड्स को साथ में रखिए। अगर आपका राइट हैंड आगे जा रहा है और लेफ्ट हैंड पीछे आ रहा है तो राइट हैंड को पीछे करिए या फिर लेफ्ट हैंड को थोड़ा आगे करिए, बट दोनों को साथ में रखिए। जस्ट लाइक आपका लेफ्ट हैंड आगे जा रहा है तो उसको कंट्रोल करिए और राइट को साथ में रखिए सीधे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपका हैंड दोनों साथ में जाएगा आपकी गर्दन भी साथ में जाएगी, तब होती बैक हैंड स्विंग परफेक्ट। आपका हेड और हैंड दोनों साथ में ही जाता है। नंबर फाइव एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जो कि स्टार्टिंग में सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी, तो ये चीज़ है हैंड्स पे एनर्जी ना होना। अब मैं यहाँ गिर के नहीं बता सकता बट आप समझिए, जब भी आप बैक हैंड स्प्रिंग करते हो और हैंड्स आने के बाद ये होता है यहाँ से लाइक डेट, मतलब आपके हाथों में एनर्जी नहीं है, समझिए। जब भी आप बैक हैंड स्प्रिंग करके हैंड रखते हो, हैंड से डाउन हो जाते हो, हेड टच हो जाता है, फेस टच हो जाता है या फिर एल्बो या फिर आप गिर जाते हो, तो ये कॉमन मिस्टेक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बैक हैंड स्प्रिंग सीखते समय सबको आती है। तो इसमें क्या करना, तो आप ट्राई करें कि नॉर्मल सी एक्सरसाइज करें जितनी भी है। हैंड्स की एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको हैंड स्टैंड करना पड़ेगा, तो आप हैंड स्टैंड करिए, थोड़ा लटकिए। लटकना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आपके हैंड्स में एनर्जी आती है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट आपके हैंड्स पर रहता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हैंड बैलेंस बनाना, लटकना और 2 से 3 पुशअप, मैक्सिमम 5, ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे मजाक कर रहा हूँ। आप ट्राई करिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, हैंड बैलेंस, लटकना और पुशअप, और आर्च में ज़्यादा प्रैक्टिस। जब आज आर्च करो तो उसमें बैक वॉल कवर करो। लाइक दैट, एक छोटा सा नॉर्मल है,
अगर आप बैक वॉल कवर करोगे तो आप जब बैक हैंड स्प्रिंग करोगे तो आपके हैंड्स में इतनी एनर्जी रहेगी कि आप रुक सको। तो ये थे मेरे 5 कुछ ऐसे टिप जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। तो लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए और गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए। 17,000 गोल है चैनल का, सब्सक्राइबर का, और 200 लाइक है वीडियो का, तो लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।